आज से 138 साल पहले देश में एक क्रांति का जन्म हुआ। इस क्रांति को हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोग अंग्रेजों के अत्याचारों से आजीज आ गए थे और दूर दूर तक अंग्रेजी हुकूमत के इन अत्याचारों से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस देश की आजादी की इस लड़ाई में सफल हुई और फिर इसने देश के लोगों की भलाई, उनकी उन्नति के साथ साथ शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से संसदीय लोकतंत्र पर आधारित एक समाजवादी राज्य की स्थापना को अपना उद्देश्य बनाया और उसी दिशा में काम भी किया। कांग्रेस वो विचार है जिसने 190 सालों से अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराया। कांग्रेस वो विचार है जिसके सहारे देशवासी एकजुट हुए और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा। कांग्रेस वो विचार है जो क्रांति बना और आज तक देश की उन्नति, प्रगति और शांति में अपना योगदान दे रही है। यदि आज भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों के कारण ही है, जिसने देश में एकता की मिसाल खड़ी की और आजादी दिलाई। कांग्रेस सिर्फ एक नाम या पार्टी मात्र नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की सोच है, आवाज है, सपना है। कांग्रेस गरीबों, छात्रों, किसानों और मध्यम वर्ग की उम्मीद है। कांग्रेस की यात्रा 138 साल पहले शुरू जरूर हुई थी, लेकिन आज भी कांग्रेस यात्रा पर ही है। देश को जोड़ने की यात्रा, देशवासियों के दिलों को मोहब्बत से जोड़ने की यात्रा, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की और तानाशाही को खत्म करने की यात्रा। कांग्रेस की यह यात्रा न कभी रुकी थी न रुकेगी।